हे गाइस, आई एम बैक विद नाइट क्रिकेट Q&A। तो लास्ट जो नाइट क्रिकेट Q&A था, जिसको हमने कल ही अपलोड किया था, उसमें मैंने आप सभी को बोला था कि हमारा जो गेमिंग चैनल है उधर मैं एक टूर्नामेंट स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे 8+ के नाम चाहिए जिसको मैं उस टूर्नामेंट में पिक करूँगा, जिसके बीच हम उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन मतलब सभी कमेंट उसी के रिगार्डिंग थे, बहुत कम ही क्वेश्चन आए उसमें, 150 कमेंट्स आए टोटल, और मतलब 140 बंदे ने कम से कम यही कमेंट किया है सिर्फ कि मतलब वो जो 8+ के नाम है वो, एंड क्वेश्चन बहुत कम लोगों ने पिक किया है, जिसके कारण बहुत कम क्वेश्चन है आज हमारे पास। लेकिन थैंक यू सो मच, मैंने बोला था हेल्प करने के लिए, बहुत लोगों ने वहाँ पे मेरी मदद की है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब कर दो, एंड उसमें जल्दी वो टूर्नामेंट आएगा, उसके जो वीडियोस है वो आएंगे। आते हमारे मेन टॉपिक पे, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे ऑलराउंडर काव्यांश ने, हु इज बेटर स्पिनर, राशिद खान और युजवेंद्र चहल। नो डाउट राशिद खान मेरे हिसाब से, बिकॉज उनकी इकॉनमी देखो तो बहुत ज़्यादा कम है, दोनों वैसे विकेट टेकर्स हैं। विच टीम विल टारगेट जॉस हेजलवुड? जॉस हेजलवुड को नो डाउट बिड मिलेगा, मैं चाहूँगा CSK वापस से टारगेट करे। इसके अलावा बेंगलोर, मुंबई, बहुत सारी टीम्स टारगेट कर सकती है एक्चुअली। इफ़ राजस्थान रॉयल्स रिलीज है जोपरा आर्चर, विच टीम विल टारगेट हिम बिकॉज हिज बॉलिंग स्पीड इज़ अराउंड 150? बिल्कुल, एंड राजस्थान अगर हम देखें तो अभी करंट मेगा ऑक्शन का रूल्स देखें तो उसके हिसाब से राजस्थान स्टोक्स एंड बटलर को रिटेन करेगा, जिसके कारण वो आर्चर को प्रोबेबली शायद रिटेन ना कर पाए। तो अगर वो रिलीज होते हैं तो नो डाउट CSK, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, एक्चुअली सभी टीम्स इस प्लेयर को टारगेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे राम भक्त ने, चेन्नई सुपर किंग जगदीशन को मौका क्यों नहीं देता? ऐसा नहीं है नहीं देता है, 2020 में दिया था, वो अच्छा नहीं कर पाए थे उतना ज़्यादा, जिसके कारण ड्रॉप कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ को भी दिया था, वो भी अच्छा नहीं कर पाए थे, पहले उनको ड्रॉप कर दिया, वापस से दिया, उन्होंने लगातार 3 हाफ सेंचुरी लगा दिया, अपना जगह बना लिया, होप करेंगे जगदेशन के साथ भी ऐसा हो फ्यूचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा यहाँ पे किलर गेमिंग ने, रोहित शर्मा ऑक्शन में जाए तो कौन सी टीम नू रोहित शर्मा सेलेक्ट करना चाहिए? बहुत सारी टीम्स कर सकती है रोहित शर्मा को सेलेक्ट, नो डाउट, उसमें मुंबई का तो नाम सबसे ऊपर होगा, अगर टीम्स रिवैम्प करता है उस टाइम के बारे में आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज नो डाउट मुंबई रिटेन करेगा, मुंबई कर सकता है, चेन्नई कर सकता है, बिकॉज चेन्नई को भी कैप्टन चाहिए होगा महेंद्र सिंह धोनी का रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे अमान ठाकुर ने, सर विल चेन्नई सुपर किंग्स स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव एज कैप्टन? देखो यार, ऐसा किसी को भी कैप्टन मुझे नहीं लगता है सही है बनाना, थोड़ा सा देखना कि वो कैप्टन मटेरियल है भी या नहीं, ये सब भी थोड़ा देखना चाहिए, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे RP गेमर ने, अगर भाई मिचेल स्टार्क 2022 में IPL खेलेंगे तो CSK टारगेट करेगी क्या? बिल्कुल कर सकती है CSK टारगेट, हर एक टीम करेगी, लेकिन मुश्किल होगा CSK के लिए, बिकॉज CSK ऐसा मैंने बहुत कम ही देखा कि किसी प्लेयर पे बहुत ज़्यादा बिड लगा दे, तो शायद CSK बिडिंग वॉर में हार जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे PUBG गेमिंग ने, पूरे पंजाब किंग्स सब बड़े प्लेयर्स को ले लेंगे अगर सब बड़े प्लस को रिलीज करने का रूल आता है, बिकॉज उनके पास पहले ही, अरे वो 19 करोड़ गया, अब वापस से हर एक टीम को इक्वल अमाउंट मिलेगा, उसमें से रिटेन वगैरह करना पड़ेगा, वो 19 करोड़ अब ऐड नहीं होने वाला है, मेगा ऑक्शन में सब कुछ रीसेट हो जाता है। आखिरी क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे मोहम्मद अनब एम ने, विच टीम कैन टारगेट ओली रॉबिन्सन एज ही साइनिंग ऑन हिज डेब्यू? मैं बता दूँ कि मैं अभी पर्सनली इंग्लैंड न्यूजीलैंड के मैचेस नहीं देख रहा हूँ, सो इस पर मैं कोई कॉमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ मैं ओलिवर रॉबिन्सन को पहले से जानता हूँ, अच्छे गेंदबाज हैं, एंड जैसा मैं हमेशा बोल रहा हूँ दोनों टीम्स का एडिशन होगा, बहुत सारे ओवरसीज प्लेयर्स पर बिड लगेगा, तो बिल्कुल, और वैसे भी अच्छे गेंदबाज है तो बिल्कुल खरीदे जाएंगे, अब कौन सी टीम टारगेट करेगा ये तो बताना मुश्किल है। विच टीम विल टारगेट टॉम करन? टॉम करन को मे बी पंजाब टारगेट कर सकता है, बेंगलोर टारगेट कर सकता है, दिल्ली भी शायद वापस से टारगेट करे। तो गाइस ये था हमारा आज का नाइट क्रिकेट Q&A, बहुत छोटा था बिकॉज मतलब और कुछ क्वेश्चंस थे लेकिन मेरे को उतना सही नहीं लगा, तो जितना सही लगा मैंने वही पिक किया है। अब देखो आज मतलब कमेंट करके जो भी क्वेश्चन है पूछ लो, लास्ट वीडियो में तो मतलब 150 कमेंट आए वो जो 8+ मैंने पूछे उसके रिगार्डिंग। वंस अगेन बोलूंगा, अगर आपने अभी तक गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, जल्दी जाके कर लो एंड जल्दी आएगा वो वीडियो। अभी के लिए छोड़ो बस इतना ही, तो अभी के लिए बस इतना, और होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसी लगी आपको, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगले वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और आपको कुछ नहीं करना, बस अगले वीडियो के लिए वेट करना है।